तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेयरिंग बज में। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज और आज मैं आपके लिए एक अपडेट लाया हूं वेल्ट्रॉन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी एक्चुअली मैंने आज अपना हेयर स्टाइल चेंज किया। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने बाल को कटवाया है। तो ये हेयर स्टाइल कैसा मुझ पर लग रहा है, मैंने हमेशा बाल लंबे रखे हैं, अब ये छोटे मैं बाल कर रहा हूं, तो ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। वेल्ट्रॉन ने आज नया अपडेट, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। वो अपडेट क्या है तो उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से छानबीन करेंगे, बताएंगे हम। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है, खास बातें हैं और क्या नोटिफिकेशन से आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो ये दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और क्या नया अपडेट आया है तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द पहले देख लेते हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं नोटिस एंड सर्कुलर में आप नोटिस फॉर इंक्वायरी डीओज़ यहां पे भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर आप व्यू मोर पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारा डेट वाइज आपको नोटिस जो रिलीज़ होता है वो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो ये सबसे लेटेस्ट जो अपडेट आया है वो आप देख सकते हैं, 13 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है और ये है नोटिस फॉर इंक्वायरीज डीओज, यानी कि डीओ के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें जो भी डीओज हैं यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो किसी भी तरह की इंक्वायरी हो वो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे क्या है तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को और देख लेते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। तो बिहार सरकार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वेल्ट्रॉन भवन पटना से ये सूचना जारी किया जाता है। तो इस सूचना को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईआरपी पद्धति द्वारा राज्य सरकार ने अधीनस्थ कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा पर निगम की ओर से डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टोनोग्राफर आदि के प्रतिनियुक्ति से संबंधित कठिनाइयों, इंक्वायरी, शिकायत, अनुरोध संबंधी आवेदनों पर निगम द्वारा वर्तमान में कॉल सेंटर के 3 टेलीफोन नंबर की स्थापना के माध्यम से आवेदनों का निरस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस प्रकार के आवेदन प्राप्तों पर त्वरित कार्रवाई करने एवं निदान के लिए निगम की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ग्रीवांस रिड्रेसल हेतु अतिरिक्त 3 कार्मिक कल्याण पदाधिकारियों नामित किया जा रहा है जो दूरभाष के माध्यम से निगम के सेवा प्रदाता की ओर से संविदा पर प्रतिनियुक्त अथवा CBT उत्तीर्ण पैनल के DOs, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल द्वारा प्राप्त कठिनाइयों, परीक्षा अनुरोध शिकायतों को पंजीकृत करेंगे एवं ERP टीम एवं मानव संसाधन प्रभाग एवं लेखा शाखा से समन्वय स्थापित कर मामले का निस्तार करेंगे। तो दोस्तों यहां तक जो नोटिस जो कह रहा उसका मतलब सीधा यही है कि जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या प्रोग्रामर या स्टेनोग्राफर हैं जिनका संविदा पर नियुक्ति हो चुका है या होना है और जो CBT पास हैं तो उन सब को किसी भी तरह का जो भी परेशानी हो रही है, चाहे उनके ज्वाइनिंग के रिलेटेड हो, चाहे उनके KYC से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह का एरर उनके एप्लीकेशन में हो, किसी भी तरह का उनके ज्वाइनिंग प्रोसेस में ना कहीं बाधा आ रही हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब की कठिनाइयां हैं, ये उसका कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ERP पर 3 कर्मियों को स्थापित किया जा रहा है जो कि ये सारे अनुरोध, शिकायत या इंक्वायरीज़ को DOs की तरफ से लेंगे। अब बात करते हैं कि ये 3 अधिकारी कौन कौन, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, श्रीमती संजीवनी, दूसरा है सुजीत कुमार और तीसरा है कैलाश पति मिश्रा, परियोजना शीर्ष सह कंसल्टेंट। तो इन तीनों को आप कॉल कैसे करेंगे इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें कि संजीवनी, जो श्रीमती संजीवनी हैं उनको वही अभ्यर्थी कॉल करेंगे, यानी कि जो भी अभ्यर्थी चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो या फिर DOs हो, जिनका नाम अल्फ़ाबेट A से स्टार्ट हो, A से लेकर G के बीच में
इस बीच में ए से लेकर जी तक में जिनका भी नाम आता हो, यानी से ए फॉर आकाश, जी फॉर गणेश और उसके बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, तो वही ए से लेकर जी तक वाले नाम वाले ही इन श्रीमती संजीवनी को कॉल करके अपनी शिकायत से दर्ज करा सकते हैं, या फिर किसी के तरह की इंक्वायरी हो वो इंक्वायरी ले सकते हैं। उसी तरह सुजीत कुमार को वो अभ्यर्थी या फिर ना कैंडिडेट कॉल कर सकते हैं जिनका नाम का अक्षर एच से आर तक के बीच में आता हो, वो उनको कॉल करके अपना परेशानी बता सकते हैं। और तीसरा जो है कैलाशपति पीटी जी, इनको वही कॉल कर सकते हैं जिनका जो अल्फ़ाबेट है अक्षर है एस से स्टार्ट होकर जेड तक के बीच में आता है, और तो वो इन तीनों से अपना संपर्क करके अपनी परेशानी को, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म दिया गया, तीनों का अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, उसके बाद जो ये कॉल करने का समय जो है निर्धारित किया गया, वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही आप इन सब तीनों, जिसमें आप जिसका जो फिट बैठता है नाम वो उस कर्मचारी को कॉल करेंगे और अपना जो भी क्वेरी है या फिर शिकायत है वो यहाँ पे दर्ज कराएंगे। और उसको ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सवाल कर दिया कि जो कि उनके पास जवाब नहीं है, तो वो उसको पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि वो पास ऑन नहीं करेंगे, वो उसी वक्त त्वरित उसका निस्तारण करेंगे और उसको कंप्लेन को या फिर आपकी शिकायत हो या फिर आपका जो भी क्वेरी हो उसको रजिस्टर्ड करेंगे, ताकि आगे उस पर कार्रवाई की जा सके आपके सहूलियत के लिए, और जो पदाधिकारी उसको सॉल्व करेंगे उन तक वो सूचना पहुंचाया जा सके। तो ये जो परामर्श का जो ये ईआरपी पे एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 16 अगस्त से स्टार्ट किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, आपके पास कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिसका आपको जवाब नहीं मिला है, तो आप इन तीनों नंबर पर कॉल करके 16 अगस्त से अपना निष्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद।